मनीषा रानी ने किया है इन्फ्लुएंसर वर्सेस एक्टर्स पर रिएक्ट, कहा एक रील शूट करने में तो 12-12 घंटे लग जाते हैं। बिल क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले काफी वक्त से इन्फ्लुएंसर वर्सेस एक्टर्स की डिबेट चल रही है। एक्टर्स का ये कहना है कि इन्फ्लुएंसर्स को हर एक चीज तो थाली में परोस कर मिल जाती है, कुछ भी करने के लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, और जिसकी वजह से ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, जहाँ इन्फ्लुएंसर्स ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें भी खूब मेहनत करनी पड़ती है और एक्टर्स की तरह ऐसा कुछ नहीं होता कि बस उठे और सेट पर चले गए, शूट किया, डायलॉग बोले और आ गए, हमें पूरी मेहनत खुद करनी पड़ती है। और वहीं एक्टर्स का कहना है कि उन्हें तो बहुत ही आसानी से मौके मिल जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है इन्फ्लुएंसर्स को वो हाथ में दे दिया जा रहा है और काफ़ी अच्छी फीस भी मिल जा रही है। तो इस तरीके से ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा गहरा होता चला जा रहा है, उस पर कई लोग अपना रिएक्शन भी दे चुके हैं और अब इस पर मनीषा रानी का भी रिएक्शन आ गया है। हाल ही में मनीषा रानी एक इवेंट पर पहुंची थी, जहां पर मनीषा से इससे जुड़ा सवाल पूछा गया, जिस पर मनीषा ने भी रिएक्ट किया। मनीषा ने कहा कि हम इन्फ्लुएंसर्स को लोग ये कहते हैं कि हमें तो हर चीज़ थाली में परोस कर मिल जाती है, बहुत इजी हो गया है हमारा कहीं भी एंटर होना और किसी भी शो में आ जाना, बट इतना आसान इन्फ्लुएंसर्स के लिए रहता नहीं है, क्योंकि हम जब सुबह सो कर भी उठते हैं ना, तो हम हाथ में ट्राईपॉड लेकर घर में घूमते नजर आते हैं, क्योंकि हमें रील शूट करनी होती है और एक एक रील में कम से कम 12-12 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ भी इतनी ईजी नहीं है कि बस हर चीज़ उन्हें थाली में मिल जा रही है और हर जगह उनकी एंट्री बहुत इजी हो जा रही है, हमें भी बहुत मेहनत करना पड़ता है और तब जाकर हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं, और एक रील के लिए तो 12-12 घंटे की शूटिंग तक करनी पड़ती है, तब जाकर हम एक रील अपलोड करते हैं, एक रील को शेयर कर पाते हैं। वहीं मनीषा ने यह भी कहा कि मैं झलक दिखला जा की विनर बनी हूँ, तो क्या मैं सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर थी इस वजह से इस शो की विनर बन गई, मैंने भी उतनी ही मेहनत की जितनी बाकी कंटेस्टेंट्स ने की, जितनी बाकी एक्ट्रेस ने की, और तब जाकर मैं इस शो की विनर बनी हूँ, तो मैं एक डिजर्विंग विनर खुद को मानती हूँ। और ये कहना कि हम इन्फ्लुएंसर्स को हर एक चीज़ हाथ में सजा कर दे दिया जा रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितने एक्टर्स मेहनत करते हैं। तो ये डिबेट ही नहीं होता कि इन्फ्लुएंसर्स को हर एक चीज़ बस मिल जा रही है, उसकी एंट्री हो जा रही है, क्योंकि मेहनत वो भी कर रहे हैं और मेहनत एक्टर्स भी कर रहे हैं। तो ये डिबेट ही गलत है, क्योंकि मेहनत दोनों जगह उतनी ही करनी पड़ती है। फिलहाल तो ये डिबेट काफ़ी गहरा होता चला जा रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस एक्टर्स, कि इन्फ्लुएंसर्स को हर चीज़ थाली में से जाकर मिल जाती है, जबकि एक्टर्स को उन चीज़ों को पाने के लिए बेहद मेहनत करनी पड़ती है। अब इस पर हर कोई अपना रिएक्शन भी दे रहा है और मनीषा ने भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी तरफ से अपनी एक रिएक्शन दिया है और कहा है कि उन्होंने भी और उन लोगों को भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर और क्या आप भी मनीषा की इस बात से सहमत हैं, हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं।